नमस्कार, वेलकम टू होम साइंस स्टडी। आज हम बात करेंगे ऊन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है और कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो ऊन क्या है, इनकी क्लासिफिकेशन और उत्पादकतीज़, इन सबको देख चुके हैं कि कौन से अच्छे ऊन हैं, किस टाइप्स के अलग अलग वैरायटी ऑफ फूल। आज अलग टॉपिक है जिसमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, भौतिक विशेषता, ऊन की भौतिक विशेषता क्या है। दो विशेषताएं होती हैं ऊन की, एक होती है भौतिक विशेषता और दूसरी होती है रासायनिक विशेषता। तो भौतिक विशेषता ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, तो इसमें क्या इनकी विशेषता क्या है ऊन की, तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे रासायनिक संगठन। ठीक है, रासायनिक संगठन इसमें देखेंगे कि रासायनिक संगठन में हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। तो रासायनिक संगठन में ऊन मुख्यतः प्रोटीन युक्त है। ठीक है, तो प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन है तो उनका नाम बताना होगा, वो प्रोटीन है केराटिन। ठीक है, कौन सा प्रोटीन है केराटिन, ये देखिए दिया हुआ है, केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो रासायनिक संगठन में इस तरह से डालना होगा। जैसे भौतिक विशेषता क्या क्या उसमें बताना है, एक तो इसमें ये बताना है कि इनकी रासायनिक संगठन, अणुवीक्षणीय संरचना कैसी है, माइक्रोस्कोप से देखने पे वो कैसा दिखता है, इसकी लंबाई कितनी है, मजबूती में कैसी है, प्रत्यास्थता है ना, प्रत्यास्थता क्या होती है, इलास्टिसिटी है ना, जिसे वो खींचने पे अपनी जगह पे आ जाए। और यहाँ पर दिया हुआ है प्रतिस्कंदता यानी रेसिलेंसी, सिकुड़न, ऊष्मा संवाहकता। ठीक है, और फिर ये लहरदार ये दिया हुआ है, लहरियापन है नहीं है, है ना, और आर्द्रता के प्रति गाहता, ये इनकी क्वालिटी को बताना है, फिजिकली रूप से भौतिक रूप से जो क्वालिटी है ऊन की। सफाई एवं धुलाई, ये देखिए सफाई एवं धुलाई, संकुचन, ऊष्मा का प्रभाव, प्रकाश का प्रभाव, मतलब ऊन पर प्रकाश का प्रभाव पड़ेगा तो उस पर क्या इफ़ेक्ट दिखेगा, उसको नष्ट होगा या जो भी उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा वो बताना होगा। सलवटे प्रतिरोधक क्षमता, रगड़ का प्रभाव है या नहीं, ये सब बताना होगा। उसके बाद रासायनिक विशेषता है, तो सबसे पहले हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं इस वीडियो में, फिज़िकल प्रॉपर्टीज। तो ठीक है, इसमें भौतिक विशेषता दी गई थी, तो भौतिक विशेषता में हम ऊन की भौतिक विशेषता में रासायनिक संगठन की सबसे पहले बात करेंगे। तो रासायनिक संगठन में हम ये लिखेंगे कि उनकी रासायनिक संगठन कैसी है। वो उसमें केराटिन नामक प्रोटीन, एक तो प्रोटीन युक्त रेशा है। ठीक है, जो ऊन है वो प्रोटीन युक्त रेशा है, यहाँ तक कि रेशम भी, ये दोनों जो प्राणिज हैं, एक तो रेशम और ऊन। लेकिन उसमें ऊन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें कि ऊन की विशेषता क्या है, तो ये एक प्रोटीन तंतु है। ठीक है, प्रोटीन फाइबर है, और कौन सा प्रोटीन है तो इसका भी नाम लिखना होगा कि केराटिन, केराटिन नामक प्रोटीन है, ये दो चीज़ इसमें लिखनी है। फिर अणुवीक्षणीय संरचना कैसी, अणुवीक्षणीय यानी जब उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं ऊन को, उनके रेशे को या उनको, तो कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। तो इस इनको देखेंगे तो जैसे उसका स्ट्रक्चर एक तरीके से गोल कीप नुमा रहती है ना, इस तरीके से रहेगा, और उसमें सल्की जैसी बनी है ना, इस तरीके से रहेगी। और इसमें भी जैसे ये, अब ये जो ये वूल का है, यहाँ पर देखिए ये वूल है, वूल का जो माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इसकी तीन परतें दिखाई दी। ठीक है, कितनी परतें थी, तीन परतें। अच्छा, तो ये जो पहला वाली परत है, पहली वाली, तो इसको अलग बोलते थे मेड्यूला, फिर क्यूटिकल, और आपका आ जाएगा कॉर्टिकल। ठीक है, तो इसमें जो है कई, ये कॉर्टिकल है, तो ये इसकी जो है ऊन की रचना है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा जाए तो ऊन की रचना कैसी दिखाई देगी माइक्रोस्कोप में देखने पे, तो वो इस तरीके से तीन परतों में होती, मेड्यूला, क्यूटिकल और कॉर्टिकल। कौन कौन सी होती है, एक तो यहाँ पर मेड्यूला होगी, क्यूटिकल और कॉर्टिकल, ये होगी अणुवीक्षणीय रचना यानी माइक्रोस्कोप से देखने पे। फिर तीसरा आता है लंबाई। अब इनकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई ये इसकी लंबाई 3 से 4 इंच तक होती है। कितनी, 3 से 4 इंच तक, ये इतना ध्यान रखना है, लंबाई कितनी है 3 से 4 इंच तक। फिर बात करेंगे मजबूती, मजबूती ये देखिए, मजबूती ऊन एक प्राकृतिक तंतु है और सबसे कमज़ोर तंतु है। क्या होता है, कॉटन है जब गीला होता है
तो वो और टाइट हो जाता है। देखा होगा जब कॉटन है, कॉटन को पानी में डाल दो, फिर जब वो गीला होता है, वैसे तो हल्का होता है, ऐसे निकालने पे निकल जाता है, लेकिन जब वो पानी को पानी में डाला जाता है तो वो पानी में गीला होने पर और ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो उसी तरह से उसका जस्ट अपोजिट ये ऊन है, जिसमें इसकी मजबूती देखी जाए तो सबसे कमज़ोर फाइबर है। और इसमें ये भी है कि इसको खींचने पे यानी गीली अवस्था में ये और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, तो ये मजबूती हो गई। फिर बात करेंगे प्रत्यास्थता, ये हो गई प्रत्यास्थता। इसकी इलास्टिसिटी की बात करें तो इसमें इलास्टिसिटी होती है, लेकिन कम मात्रा में उसे खींचा जाए तो जैसे 63% तक तो वो खींच जाती है, लेकिन 10% जो बाकी के बच्चे हैं वो नहीं खींचता है, ये चीज़ आती है। अब बात करेंगे प्रतिस्कंदता। तो प्रतिस्कंदता में क्या है? रेसिलेंसी, सिकुड़न। तो हाँ, इसमें ये देख लेते हैं कि ऊन सभी तंतुओं में सबसे अधिक प्रतिस्कंदता वाला तंतु है। यह रबर बैंड के समान खींचने पर या सलवटें पड़ने पर तुरंत अपनी मौलिक स्थिति में आ जाता है। यह बिना टूटे 10% से 30% तक खींच सकता है। तो ये प्रतिस्कंदता को बताया गया है। अब बात करेंगे ऊष्मा संवाहकता। ऊष्मा संवाहकता में इसमें क्या है कि ऊनी तंतु ऊष्मा के कुचालक हैं। इनमें प्रोटीन होने से ये ऊनी वस्त्र सर्दियों में गर्म रहता है। ऊनी तंतु की सतह पर सल्क, जैसे अभी सल्क बताया था, सल्क और तंतु में लहरें होने से वायु के लिए स्थान बन जाता है और वायु उनमें ठहर जाती है। ठीक है, वायुमंडल की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है। तो यहाँ ऊष्मा संवाहकता की बात की गई। अब बात करेंगे लहरदार। तो उसमें जो ऊन होता है, जितना पतला होगा लहरियापन उतना ज़्यादा होगा। ऊनी तंतु कम या अधिक लहरदार होता है और उनमें कुछ मात्रा में ऐंठन होती है। ऊन जितना महीन होगा उसमें उतनी ही लहरिया होगी। बढ़िया किस्म की जो बढ़िया किस्म की मेरिनो ऊन में प्रति इंच 30 लहरें होती हैं, जबकि मोटा ऊन में 1 इंच में केवल 1 या 2 लहरें होती हैं। यानी कहने का मतलब है कि ऊन जो मेरिनो ऊन है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का है, इसमें लहरियापन ज़्यादा होती है, इसलिए मजबूती भी रहती है। फिर आता है आर्द्रता के प्रति घाता। आर्द्रता के प्रति घाता इसमें क्या है, मतलब मॉइस्चर को ऑब्जर्व करना, वातावरण में जो मॉइस्चर है, नमी है, तो इसमें क्या है, उन सभी तंतुओं से अधिक आर्द्रता को गाहा करती है। यह वातावरण को हवा से अपने वजन के करीब 50% तक आर्द्रता को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है कि जो आर्द्रता है, ऊन है, ऊन आर्द्रता को ग्रहण करती है। जैसे सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं, है ना, तो ये चीज़ इसमें है। अब आगे की बात करेंगे सफाई एवं धुलाई। ठीक है, सफाई एवं धुलाई, इन्हें अच्छे से धुलाई ज़्यादा धुलाई करने पर इसकी जो रेशे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, खासकर क्षार युक्त, क्षार जो है ये हम केमिकल में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें बता रहे सफाई धुलाई में कि क्षार का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे साबुन है साबुन का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, इससे क्या होता है कपड़े नष्ट हो जाते हैं, तो जो रेशा है वो कमज़ोर हो जाएगा ऊन का रेशा। तो ये चीज़ है, ये सफाई एवं धुलाई। इसमें क्या है, ऊनी वस्त्रों पर धूल चिपक जाती है। वस्त्र को झटक कर या नर्म ब्रश द्वारा धूल से सुस्त एक तरीके से साफ किया जा सकता है। ऊनी वस्त्र को यदि अच्छी तरह से साफ़ न किया जाए तो उसमें गंध आती है। ठीक है, तो इनकी सफाई धुलाई ज़रूरी है, लेकिन सावधानी पूर्वक। संकुचन की बात की जाए तो ऊनी वस्त्र वेस्टर्ड वस्त्रों की अपेक्षा अधिक सिकुड़ते हैं। वस्त्रों को यदि शुष्क धुलाई से धोया जाए तो कम सिकुड़ता है। वस्त्रों को यदि शुष्क धुलाई से धोया जाए तो कम सिकुड़ता है। इन वस्त्रों की परिसज्जा द्वारा सिकुड़ना अवरोधक बनाया जाता है। ठीक है, तो संकुचन की बात की जाए तो वस्त्रड वस्त्रों में संकुचन अवरोधक एक अवरोधक बनाया जाता है, संकुचित संकुच एक सिकुड़न सिकुड़ना अवरोधक सिकुड़न अवरोधक उसे बनाया जाता है ऊनी वस्त्रों को। फिर बात करेंगे ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा ताप पर ये नष्ट हो सकता है, कमज़ोर हो सकते हैं। ऊन 212 फारेनहाइट, ठीक है, ऊन क्या है 212 फारेनहाइट पर कड़क हो जाती है। इससे अधिक तापमान पर वह विघटित होने लगती है। यह 400 फारेनहाइट पर झुलस जाती है और अंत में जल जाती है।
तो ऊष्मा पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और देखा होगा आपने कि प्रेस वगैरह भी इस पे ज़्यादा मतलब प्रेस का यूज़ नहीं करते। फिर है प्रकाश का प्रभाव। प्रकाश का प्रभाव इसमें क्या रहेगा कि धूप में ज़्यादा देर तक रखने से भी इस पर वस्त्रों पर यानी इसके रेशों पर इफेक्ट पड़ेगा और कमज़ोर होने लगेंगे। तो ऊन को यदि लंबे समय तक धूप में रखा जाए तो ऊन कमज़ोर हो जाते हैं। फिर बात करें सल्वट प्रतिरोधक क्षमता। सल्वट प्रतिरोधक यानी जो रेसिलेंसी है और इलास्टिसिटी के कारण ऊनी वस्त्रों में सलवटें नहीं पड़ती हैं। फिर रगड़ का प्रभाव। रगड़ का क्या प्रभाव पड़ेगा ऊनी वस्त्रों पर? तो रगड़ का प्रभाव, गीली अवस्था में ऊनी वस्त्र अपनी शक्ति खो बैठते हैं। धुलाई के समय अधिक सावधानी रखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऊनी वस्त्र की भौतिक विशेषता, तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे रासायनिक संगठन के बारे में। इसमें प्रोटीन युक्त रेशा है जिसमें केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। दूसरा, अणुवीक्षणीय रचना में क्या लिखेंगे कि उसका आकार कैसा होता है अणुवीक्षणीय रचना में? तो उसको एक तरीके से वो तीन परतों में डिवाइड होता है। तो कौन कौन सा नाम? मेड्यूला। और दूसरा कौन सी परत है? दूसरी परत है क्यूटिकल। ठीक है, क्यूटिकल। और लास्ट की कौन सी है? कार्टिकल। ठीक है, कार्टिकल। ठीक है, ये परत। तो तीन परतों का नाम ध्यान रखना है, मेड्यूला, क्यूटिकल और कार्टिकल। फिर लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई कितनी है? तो 1 से 4 इंच तक लंबी होती है। ठीक है, ये सबसे छोटा रेशा है, 1 से 4 इंच तक होती है लंबाई इसकी। फिर मजबूती, मजबूती कैसी रहेगी? कमजोर तंतु है। ये सब इनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, विशेषता है, भौतिक विशेषता। केमिकल अलग देखेंगे, लेकिन यहाँ पर भौतिक विशेषता, रासायनिक संगठन में प्रोटीन युक्त रेशा है, क्रिएटिन नामक प्रोटीन, अणुवीक्षणीय रचना में वो किस तरह से तीनों पार्ट में डिवाइड है, कैसा दिखता है माइक्रोस्कोप से देखने पे, लंबाई भी ये दी हुई है 1 से 4 इंच, और मजबूती कमजोर तंतु है, प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी होती है लेकिन कम, रेसिलेंसी सिकुड़न का भी इसमें बताएंगे बताया गया है कि खींचने पर उसमें प्रतिस्कंदता कितनी है, रेसिलेंसी कितनी है, सबसे अधिक रेफलेंसी पाई जाती है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये सबसे अधिक। फिर है ऊष्मा संवाहकता, तो ये भी ऊष्मा का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ऊनी वस्त्रों पर। लहरियापन भी ज़्यादा रहती है लेकिन मेरिनो ऊन में ज़्यादा होती है और अन्य ऊन में कम। ठीक है, तो जितना पतला होगा उतना लहरियापन ज़्यादा होगा और जितना लहरियापन होगा उतनी ही मजबूती होगी। आर्द्रता, आर्द्रता की प्रतिघाता, आर्द्रता होती है, ऑब्जर्व करता है। फिर है सफाई एवं धुलाई। सफाई और धुलाई का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है ऊनी वस्त्रों को। संकुचन, इसे संकुचन अवरोधक बनाया जाता है। ऊष्मा का प्रभाव भी पड़ता है, ज़्यादा ऊष्मा होगा तो ये कड़क हो जाएगा, उससे ज़्यादा होगा तो जल जाएगा, झुलस जाएगा। प्रकाश का प्रभाव भी काफ़ी पड़ेगा ऊनी वस्त्रों पर, जिससे धूप का प्रभाव ज़्यादा ज़्यादा देर टाइम तक धूप में रखने पर ऊनी रेशा कमज़ोर हो जाता है। सल्वट प्रतिरोधक क्षमता, तो इसमें रेसिलेंसी और वो इलास्टिसिटी के कारण, प्रत्यास्थता के कारण ऊनी वस्त्रों में सलवटें नहीं पड़ती है। रगड़ का प्रभाव, गीले अवस्था में ऊनी वस्त्र अपनी शक्ति खो बैठते हैं। तो रगड़ का प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा सा भी रगड़ पड़ जाएगा तो जो रेशा है वो कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रगड़ का प्रभाव। तो इस वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी रासायनिक विशेषता क्या है, भौतिक विशेषता में कौन कौन से इसे देखने पे कैसा दिखता है, उसकी लंबाई कैसी है, मजबूती कैसी है, इलास्टिसिटी कैसी है, खींचने पे वो अपने स्थान पे आता है नहीं आता है, कौन सा उस रासायनिक संगठन में कौन सा प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन है, जैसे प्रोटीन युक्त रेशा है तो उसमें कौन सा प्रोटीन है, ये डालना है। और ये भी डाल सकते हैं कि ऊनी जो ऊन है उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर, प्रतिस्कंदता के बारे में बात की गई, और ये आपका ऊष्म संवाहकता, लहरदार ऊनी वस्त्रों में लहरियापन को भी बताना है, मतलब कैसा दिखता है फिजिकली रूप से, आर्द्रता के प्रतिघाता क्षमता है या नहीं, है ना।
और सफाई एवं धुलाई अच्छे से हो पाएगी या नहीं, संकुचन की स्थिति, ऊनी वस्त्र, ऊष्मा का प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी सब देख करके भौतिक रूप से सलवट प्रतिरोधक क्षमता, रगड़ का प्रभाव, तो ये सब भौतिक विशेषता है ऊनी वस्त्रों की, ऊनी वस्त्रों की भौतिक विशेषता। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़। अभी के लिए इतना ही, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहीं पे ख़त्म होती है, नेक्स्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज़। धन्यवाद।